में भी अवैध शराब को इंदौर में खपाया जा रहा है। उसी के चलते आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लाख से ज्यादा कीमत की शराब जब्त कर ली है। ये कार्रवाई सावेर तहसील में की गई है। यहाँ आबकारी विभाग ने शोभान सिंह राजपूत के घर पर दबिश देकर देशी शराब बरामद की। जिले में अवैध शराब पर लगाम कसने को लेकर अब शासन प्रशासन एक्शन के मोड में नजर आ रहा है। एक के बाद एक हो रही ताबड़तोड़ कार्यवाहियों से अब शराब माफियाओं में हड़कंप का माहौल है। तो वहीं सहायक आबकारी अधिकारी मनीष खरे अब पूरे दमखम के साथ शराब माफियाओं के मंसूबों पर पानी फेरने और जिले में शासन व्यवस्था को दुरुस्त रखने को लेकर मोर्चा संभाले हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सहायक आबकारी अधिकारी मनीष खरे के निर्देशन में बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक इस शराब का निर्माण उज्जैन में किया गया था और इंदौर में से खपाया जाना था, लेकिन सूचना के आधार पर आबकारी विभाग ने मौके पर दबिश देकर अवैध शराब को बरामद किया है। हालांकि गौर करने वाली बात तो यह है कि उज्जैन में अभी भी अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है, जबकि साल भर पहले ही जहरीली शराब की वजह से कई मजदूरों की जान चली गई है, जिसके बाद अवैध शराब निर्माताओं के खिलाफ बड़ी कार्यवाही भी की गई थी। फिलहाल आबकारी विभाग लगातार अवैध शराब विक्रेताओं और माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है। सहायक आबकारी अधिकारी मनीष खरे की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और माफियाओं के खिलाफ उनके सख्त रवैये से अब इंदौर में माफियाओं के पैर जमाने की कोशिश असफल होती दिखाई दे रही है। ताजा मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां उज्जैन जिले में अवैध शराब को इंदौर में खपाए जाना था, लेकिन उससे पहले ही आबकारी विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 लाख से ज्यादा कीमत की शराब को जब्त किया है। ये कार्यवाही सावेर तहसील में की गई और यहाँ आबकारी विभाग ने शोभान सिंह राजपूत के घर पर दबिश देकर 3 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की देशी शराब बरामद की है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नए टेंडर में तो नया टेंडर एक अलग विषय है, नए टेंडर तो हमारे हो ही रहे हैं। नहीं, अभी तो ऐसा तो कुछ हम निश्चित रूप से नहीं देखा गया। अब ये तो जब भी होता है ये कार्रवाई, जब खबर मिल जाती है तो हो जाती है। अभी मार्च में भी हो सकती है, फरवरी में हो सकती है, अप्रैल में भी हो सकती है।